सुबह से ही ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने ट्विटर पर डेब्यू किया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अरुण गोविल ने नए ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स में एकदम से बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में अब अरुण गोविल के ट्विटर अकाउंट को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर @@अरुण गोविल नामक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा था, आखिरकार मैं ट्विटर पर आ गया हूँ, जय श्री राम। इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स ने एकदम से अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया पर और इस अकाउंट के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। बता दें कि यह ट्विटर अकाउंट फेक है। इस बात की जानकारी खुद अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में दी। अरुण गोविल ने बताया कि @@अरुण गोविल ट्विटर हैंडल फेक अकाउंट है और मेरा असली अकाउंट हैंडल @@अरुण गोविल12 है। इसके साथ ही अरुण गोविल ने बताया कि जल्द ही उनका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से सभी फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग कैंसिल कर दी गई। ऐसे में लोगों को बेहतर मनोरंजन देने के उद्देश्य से कुछ पुराने सीरियल्स का दोबारा प्रसारण किया गया है। इसमें अरुण गोविल का पौराणिक सीरियल रामायण भी शामिल है।